अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अहमद अरसलान है, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके उन तमाम सवालों के कुछ जवाब देने की कोशिश करूंगा जो पिछले एक महीने के अंदर आपने मुझसे मल्टीपल चैनल्स के थ्रू पूछे हैं। तो मैं एक एक करके आपका सवाल पढ़ता हूँ और फिर उसका जो है वो जवाब देता हूँ। अच्छा जी, मैं यानी लेटेस्ट से ओल्ड की तरफ जा रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल है जी, कुड यू प्लीज़ टेल मी वन इज द बेस्ट टू लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर डिनर। सर, मैंने जैसे अपनी वीडियोज़ के अंदर बताया कि जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है ये आपका एक एक स्किल है। आप स्किल जो है वो हर वक्त सीख सकते हैं, चाहे आप फर्म में हैं, फर्म में नहीं हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। आपको अगर वैसे कंप्यूटर सीखना है, एक्सेल सीखना है बेसिकली, या आपको थोड़े से अपने जो बेसिक से एडवांस एक्सेल सीखने, तो आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए। मेरा इसके ऊपर एक कोर्स है, बिल्कुल फ्री है, तकरीबन 30 से ज़्यादा उसमें वीडियोज़ हैं और तकरीबन वो 1,00,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है और उसके मैंने 500 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स दिए हैं। तो वो कोर्स जो है वो 1,000 से ज़्यादा बल्कि सर्टिफिकेट्स दिए हैं। तो वो कोर्स जो आप करें उसमें इंशाल्लाह आपको एक्सेल भी सीखने को मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे, आपकी जो है वो आर्टिकलशिप के अंदर भी आपको आसानी होगी। अच्छा जी, दूसरा सवाल है सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, उसके अलावा मैंने इसे सीए की एग्जामिशंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैं जो है ना सीए के हुआ, जो मेरे पेज पर मेरे चैनल पर जो आपको कंटेंट जनरली नज़र आता है वो क्या होता है जी, वो सीए का होता है। तो इसलिए जो है वो, क्योंकि मैं सीए हूँ और सीए पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूट है आईकेप, उसके अंदर एक दो कमेटीज़ का पार्ट हूँ जो कि थ्रू आउट द ईयर मल्टीपल चीज़ों पर काम करती हैं। सर अहमद भाई, हाउ लॉन्ग डज रिटर्न विल बी फाइल्ड, मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट। सर, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी रिटर्न फाइलिंग के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा नॉन रेजिडेंट के लिए खास डिक्लेरेशन फाइल होती है जिसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट डिक्लेरेशन, हु आर फाइलिंग द रिटर्न वॉलेंटरली एंड हैव नो पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो उनको जो है वो नॉर्मल रिटर्न नहीं फाइल करनी होती बल्कि वो डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है। गाइड हाउस वाइफ विद जीरो इनकम, जी हाउस वाइफ विद जीरो इनकम उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने NTN बनाया हुआ है तो फिर उनके ऊपर जो है लाजमी मेरी वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस किस को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो उसके अंदर एक कंडीशन ये भी थी कि अगर आपके पास आपने NTN लिया हुआ है, आपने अपने आप को FBR पे IRS पे रजिस्टर किया हुआ है, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सर, अगर किसी ने 3 अटैम्प्ट में किया हो या 3 से ज़्यादा में किया हो ये फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी वीडियोज़ में अक्सर बताया है कि आपने अपना जो है वो FTS क्राइटेरिया जो है वो उसके हिसाब से अपनी इंडक्शन आपकी होती है। तो अगर आपका FTS क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो फिर आपका चांस जो है वो आ सकता है। हाउ एनरोल इन योर कोर्स। सर, ये कोर्स का मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जिसने मुझे व्हाट्सएप किए, मेरे बेसिकली बहुत सारे कोर्सेज हैं टैक्स के ऊपर हैं, पाकिस्तान टैक्स, UAE टैक्स, उसके अलावा KSA टैक्स, सऊदी जो VAT है उसके ऊपर, उसके अलावा जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, क्विक बुक्स, काफ़ी सारे मेरे कोर्सेज हैं। तो वो कोर्सेज कुछ फ्री हैं जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, बाकी जो पेड कोर्सेज हैं उसके लिए आपने मुझे व्हाट्सएप करना है तो मैं आपके साथ डिटेल जो है वो शेयर कर दूँगा। जी सर, इंडक्शन के लिए मैं अभी इसके बाद इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। अभी KPMG पाकिस्तान के जो कंट्री पार्टनर, जो सीनियर पार्टनर थे नान रजवी साहब, वो कल आए हुए थे ओमान में, तो कल उनके साथ हमारी एक डिस्कशन हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे की, जिसके अंदर तकरीबन 1 से 1.25 घंटा उन्होंने सारी चीज़ों के ऊपर सवालात हमने कुछ किए थे जिनके उन्होंने जवाब दिए। तो इंशाल्लाह उसके अंदर इंडक्शन की चीज़ भी आई थी, तो ये इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाने वाली है, इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने बताई थी, तो इंशाल्लाह ना इसको डिस्कस करते हैं। के अलावा सीए की एज क्राइटेरिया, जी कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। जो अगर आपने इंटर, आपके बेसिकली क्राइटेरिया कि आपने आपके जो इंटर है उसके अंदर एक खास परसेंटेज जो मार्क्स होने चाहिए वो होंगे तो आप वैसे ही सीए में आ सकते हो, अगर वो नहीं होंगे तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, QAT वो हो जाएगा। सर, सीएम में ACM में मैंने सब के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, CMA वर्सेस CA, तो आप वो देखें। उसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ, CMA जो है वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं जबकि CA जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मतलब ये है कि उनका ज़्यादा जो ओरिएंटेशन है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ ज़्यादा होती है। मतलब हमारे टीचर कहते हैं कि CA और CMA बहन भाइयों की तरह हैं,
जब सीए भाई है और सीए में कैजी वो बहन है, तो थोड़ा सा जो है ना उनका थोड़ा सा जो जो आप ये समझ लो कि जो स्टडी है वो कॉस्टिंग की तरफ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ ज़्यादा, जबकि सीए जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है। हाउ टू एंटर फॉरन रेमिटेंस यू वॉन्ट टू डिस्कस? सर मैंने पहले बताया था फॉरन रेमिटेंस को वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर दिखाते हैं, ये असल में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं रेंडमली मैं सबका जवाब दिए जा रहा हूँ, इसलिए जो है वो का कोई वो नहीं बन पा रहा। सेविंग प्रिफर्ड कंट्री 9-10। अच्छा जी, सीए एसीसी के ऊपर सवाल मेरे ख्याल से इतने ही रखते हैं, इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे कि केपीएमजी ने इस दफ़ा इंडक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया तो ऑब्वियसली आपने देख लिया, मैंने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन उसकी रेशनेल क्या है और अब इंडक्शन कैसे होगी इसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।